हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। एलटीपी कैलकुलेटर के इस वीडियो में हम लोग आज जानेंगे कि निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। हाँ, एलटीपी कैलकुलेटर कुछ बताने की कोशिश कर रहा है जो कि पिछली बार भी बताने की कोशिश कर रहा था, जहां पर 23,700 से 24,000 के ऊपर के लेवल जो है वो मैंने निकाल करके आपको दे दिया था। और कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि निफ्टी जो है वो अगर 24,000 के लेवल पर सपोर्ट लेती है तो डेफिनेटली आपको ऊपर की तरफ का टारगेट जो है वो 101% मिलने वाला है। 100 पॉइंट कैप्चर करने के लिए मैंने आपको बोला था, यहाँ से लेकर 24,000 से उठा करके 24,100 तक का टारगेट जो है वो हम लोगों ने डिसाइड किया था। कल की लाइन जो है वो अभी भी लगा करके रखी हुई है। कल का वीडियो नहीं देखा तो आज जा करके आप देख सकते हो उस वीडियो को। और हाँ, एलटीपी कैलकुलेटर की कम्युनिटी बैचेस जो है वो आज से ही शुरू हो रही है, तो अगर आपको कम्युनिटी बैच ज्वाइन करना है तो इस वीडियो को देखते ही साथ आपको मुझे कॉन्टेक्ट करने की जरूर रहते हैं, तभी हम आप लोग एलटीपी कैलकुलेटर की कम्युनिटी बैच जो है जो कि 1 मंथ की है, जिसके अंदर में सारे अपने इस तरीके के जेंटेमेटिक सेटअप जो है, ठीक है, निंजा टेक्निक पूरी की पूरी मैं आपको एलटीपी कैलकुलेटर की और ट्रेडिंग व्यू के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंडिकेटर है वो सारे आपको सिखाने वाला। तो उसको कॉन्टेक्ट करने के लिए ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, ब्लू कलर की लाइन पर व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बड़े बड़े लाइन पर दिख रहा होगा आपको ऊपर, वहां पर मुझे आप कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर हम लोग सिनारियों को देखते हैं और हिडन जो ट्रिक है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कैसे ये मार्केट अभी 24,500 के लेवल के लिए तैयार हो रहा है। उसके पहले एक फॉल जो है वो एक पॉसिबल हो सकता है। छोटी मोटी करेक्शन हमेशा ही आती रहती है, जिस तरीके की ये करेक्शन हुई है उस तरीके से यहाँ पर भी एक करेक्शन हो सकती है, या फिर थोड़ी बड़ी करेक्शन होकर के ये मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है 24,500 के लेवल तक, ठीक है। और ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो उससे पहले पिछले कम्युनिटी बैच मेंबर जो थे उनके लिए एक स्ट्रैटेजी बना करके गया था, कुछ लोगों ने अप्लाई भी किया था, उसके अंदर कितना प्रॉफिट चल रहा है क्योंकि ये 4 जुलाई की एक्सपायरी का है और इसके अंदर करीब करीब 11,800 रुपए स्ट्रैटेजी के अंदर काम जो है वो अभी चल रहा है, ठीक है। इतना मार्केट ऊपर गया नीचे आया फिर भी हम लोग अभी 11,000 के प्रॉफिट में अप्रोक्सीमेट कैपिटल लगा था, 5.5 लाख रुपए पे आसपास कैपिटल इसके अंदर लगा था। ये स्ट्रैटेजी आपने कहीं नहीं बनाई होगी क्योंकि ये कहीं नहीं देखी होगी पूरे यूट्यूब के अंदर, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मैं खुद यूज करता हूँ और खुद बनाई है मैंने, और इसे बोलता हूँ मैं डायमंड, ठीक है। पूरे प्लेटफॉर्म के अंदर डायमंड स्ट्रैटेजी करके सर्च करो, आपको मेरा ही वीडियो मिलेगा या फिर कोई वीडियो नहीं मिलेगा। और ये काफी हाईली प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी, इसके अंदर 61,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही स्ट्रैटेजीज हम लोग कम्युनिटी बैच के अंदर सीखते हैं। तो आपको कम्युनिटी बैच अगर ज्वाइन करना है तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, हम लोग कैसे अब एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर सिनेरियोस को रीड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पहले हिस्टोरिकल डेटा के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल डेटा को हम लोग क्या कर देते हैं, प्ले कर देते हैं। अब देखने से हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली बात है ये जो रेजिस्टेंस है वो 24,000 से क्या हुआ है, 24,100 पर आया और फिर से अभी क्या दिखाई दे रहा है, 24,000 पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, लेकिन हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था 24,000 का जो सपोर्ट है वो स्ट्रांग है और हम लोगों को सपोर्ट से ही क्या करनी है, बाइंग करनी है। मैंने आपको लेवल भी दिया था, ये ग्रीन कलर का लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आपको क्या करना था, बाइंग करना था। मॉर्निंग में ही एक कैंडल गिरी और वहां से फिर ये उठ करके ऊपर चला गया। और अगर मैं आपको अपने सेटअप्स के बारे में बताऊं जो कि मास्टर ट्रेडिंग सेटअप है, तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये चल रहा है, सॉरी 50 डे लाइन के ये ऊपर चल रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये मेरी 50 डे लाइन है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये अपने अपने AI ट्रेडिंग इंडिकेटर के ऊपर ये जा चुका है निफ्टी, यहाँ पर आपका जो है वो प्रॉपर बाइंग बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर्स बाय कर सकते हो या फिर पुट सेल तो यहाँ से नीचे से ही चल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ कॉल बाय कर सकते हो और उसको होल्ड कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कॉल बाय की जगह पर पुट सेल करना या फिर फ्यूचर्स के अंदर अपनी पोजिशन को बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर कंफर्मेशन आया, अब जब तक ये इस 50 डे लाइन के ऊपर चल रहा है, ठीक है, तब तक आपको होल्ड करना है। और ये मजे से फिर निफ्टी जो है वो टारगेट तक पहुंच गया, इस हाई तक का हमारा टारगेट था उससे भी ऊपर जाकर के ये फिर से नीचे की तरफ आ गया, तो बहुत अच्छा एक प्रॉफिट जो है उसके अंदर हम लोगों को
मिला। अभी प्रॉफिट कितना मिला उसको, उसका इंपॉर्टेंट नहीं, हमने हम लोगों ने बॉटम से पॉइंट कितने कैप्चर कर सकते थे, 160 पॉइंट्स की रैली आपको कल के वीडियो देखने से ही मिल जाने वाली थी। आई होप ये सेटअप जो है वो बहुत ज्यादा काम करते हैं। अगर आपके पास एलटीबी कैलकुलेटर नहीं भी है, आप नहीं भी सीखे हो उसको, फिर भी आप इन सेटअप से, मेरी वाले सेटअप से ट्रेड जो है वो कर सकते हो एआई टूल्स का यूज करके। ठीक है, अब काफी टाइम हो चुका है, अभी हमारा एलटीपी कैलकुलेटर क्या क्या हो चुका है, यहाँ पर शिफ्टिंग हो चुका है। ठीक है, और ये सपोर्ट जो है वो हम लोगों को स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। अब हम लोग चलते हैं बाद वाली सिचुएशन के अंदर। यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस जो है वो 21,100 पर स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, और ये वाला जो है वो वीक टूवर्स क्या दिखाई दे रहा था, टॉप दिखाई दे रहा था, बाद में जाकर के ये टॉप हुआ है। यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा में मॉर्निंग में कोई वीक टूवर्स टॉप का सिनेरियो नहीं था, ये बीच में ही कहीं पर आया होगा। ठीक है, जब आया होगा तब आपने इसको लेट्स इमेजिन कि देखा होगा। ठीक है, हम लोग अगर क्या होगा कि हम लोग इसको टाइम फ्रेम आगे आगे करते जाएंगे और देखने के लिए हमारा क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो आप हिस्टोरिकल डेटा में जाकर के देखना कि ये कितने बजे हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको चार्ट वाइज दिखाऊं तो मेरे ख्याल से ये करीब करीब 9:40 का टाइम दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, 10:15 का टाइम यहाँ पर लगा देते हैं। फिर भी नहीं हुआ है, हम लोग सीधा चले जाते हैं 11 बजे हुआ है क्या, 11 बजे भी नहीं हुआ है। आप देखो कितना लेट कर रहा है एलटीपी कैलकुलेटर इसको करने के लिए। ठीक है, प्ले कर रहे हैं हम लोग डेटा, अभी भी नहीं बना है, यानी कि ये 11-12 बजे के बाद ही चीजें हुई होंगी वीक टूवर्ड्स टॉप की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि बहुत ज्यादा बड़ा मोमेंटम एकदम सडन फास्ट नहीं हुआ है। ठीक है, ऊपर नीचे करके हुआ है, तो कॉल में भी ऊपर ना गया हो। अगर देखना चाहते हो तो देख लेंगे, 24,000 का जो कॉल है यहाँ पर एक मैंने ETFs बाय किया है। अगर आपको ETF के ऊपर इंडेक्स ट्रेडेड फंड के ऊपर इन डिटेल में वीडियो चाहिए होगा कि कैसे आप 5,000 रुपये महीने से 5 से 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करके 1 करोड़ के कैपिटल तक जा सकते हो, इसका अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट में लिखो ETF। ठीक है, ETF लिखो कमेंट के अंदर, तो आपको मैं ETF के ऊपर, ETF ट्रेडिंग के ऊपर बहुत जबरदस्त वीडियो इन डिटेल्स में बना करके दे दूंगा। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे, जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे, उतना जल्दी वीडियो ETF के ऊपर आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर चले जाते हैं, अपने काम से काम रखना है हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोगों को क्या देखना है कि 24,000 का जो कॉल अगर किसी ने बाय किया होगा तो क्या वो कॉल प्रॉफिट दिया है, या फिर मेरी ही स्ट्रैटेजी सही है कि मैं पुट सेल करता हूँ। ठीक है, तो मुझे भी समझ में आ जाएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 24,000 का कॉल और पुट ऐड कर लेते हैं। 24,000 का लेवल मैंने कल ही दिया था, आप अगर मेरे रेगुलर वीडियो नहीं देखते हो तो फिर आपको लेवल जो है वो नहीं मिलेंगे। आज भी मैं लेवल देने वाला हूँ, इसलिए एंड तक वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉल जो था वो मॉर्निंग में कहाँ पर मिल रहा था आपको, लेट्स से एन एग्जाम्पल, यहाँ कहीं पर कॉल की बाइंग की आपको जो है वो यहाँ पर मिला था, और हाँ क्लोजिंग बेसिस के ऊपर तो आपको करीब करीब प्रॉफिट मिला है 45 पॉइंट्स का। और जहाँ तक पुट सेलिंग की बात है, हम लोग पुट सेलिंग के अंदर देख लेते हैं, पुट सेलिंग आपको कहाँ से मिला है, तो यही से हम लोगों को पुट सेलिंग का ट्रेड मिला है। तो इसके अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है क्लोजिंग बेसिस पर, 45 पॉइंट्स, दैट्स फाइन, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग स्टार्टिंग से ही करते तो 57 पॉइंट्स का, ठीक है, लगभग 500 क्वांटिटी के अंदर 27,000 का प्रॉफिट जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है ऑप्शन सेलिंग के अंदर भी। और ये स्ट्रैटेजी के अंदर 11,000 का प्रॉफिट चल रहा है वो अलग से। अब बात कर लेते हैं हिडन जेम्स की, ठीक है, कैसे मैं निकालता हूँ इस चीज को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी फाइनल जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उतना आप ध्यान से सुन लो, इस लाइन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पर आपको सीधा सीधा जाना है। ठीक है, 15 मिनट का चार्ट आपको क्या करना है, लगा करके रख लेना है। अब यहां से अगर निफ्टी नीचे गिरी, ठीक है वैसे तो गिरना नहीं चाहिए, लेकिन कोई भरोसा नहीं, निफ्टी है, गिर भी सकती है, तो 24,000 का सपोर्ट लेवल टूटेगा। ठीक है, और 24,000 का सपोर्ट लेवल अगर टूटा तो 23,800 के आसपास निफ्टी जो है वो आकर के रुकेगी। ठीक है, जब भी आपको 23,000, बहुत बड़ी गिरावट नहीं आने वाली, 23,800 जब भी मार्केट आपको 23,800 पर मिले, ठीक है, और इस सेटअप के अकॉर्डिंग, जैसे ये RSI के अंदर ये 50 के ऊपर गया और 15 मिनट में आपको ये इंडिकेट कर दिया कि ये ऊपर की तरफ निकल रहा है 15 मिनट के चार्ट में,
जब 23,000 पे आकर के ऊपर जा रहा होगा तब आपको निफ्टी का फ्यूचर जो है वो एक या दो लॉट में बाय करके बॉटम पर स्टॉप लॉस रख देना। स्टॉप लॉस रखना भूलना मत, जीटीटी ऑर्डर डाल के स्टॉप लॉस रख देना। और टारगेट क्या रखोगे आप, रोल ओवर करते चलोगे और टारगेट जो है वो रखोगे 24,500 का। तो लेवल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर फिलहाल के लिए हमारा 24,000 एक डिसेंट सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर टूटा तो आपको निफ्टी मिल सकती है 23,800 के सपोर्ट पर, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस मतलब टारगेट जो है वो टारगेट हमारा यहाँ तक का होगा 24,500 का लेवल आपको निफ्टी के अंदर दिखाई दे सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं टारगेट, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, ये बहुत अच्छा फीचर आया यहाँ पर, सपोर्ट, ठीक है। फाइनल एंट्री पॉइंट, ठीक है। तो ये लेवल जो है उन लोगों को मिलेंगे जो कि लास्ट तक वीडियो देखते हैं, और मेरा हर एक वीडियो आपको अगर देखना है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस करना पड़ेगा, तभी आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस आ जाएगी। कैसे निकाला अब उसकी बात कर लेते, ठीक है। पिछली बार भी क्या हो रहा था, पिछली बार की बात करते हैं, मार्केट जो है वो चल रहा था करीब करीब 23,700 की लेवल पर, और मार्केट कंटिन्यूअसली वीक टुवर्ड्स टॉप का सिनारियो दिखा रहा था। और उसी टाइम पर क्या हुआ था, ये जो ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, या फिर आप वॉल्यूम बोल रहे हो, वॉल्यूम को तो इतना मोमेंट नहीं मिलता है कि 500 पॉइंट ऊपर का कोई कॉल पुट सेल करेगा, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट जो है ना वो क्या हो रहा था कि 24,000 के आसपास, ये 700 से 24,000 के आसपास ये दिखाई दे रहा था। तो वहां से मैंने निकाला था कि ये 700 का लेवल ब्रेक करके ऑब्वियसली बात है 24,000 के ऊपर जाने वाला है। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 2400 का लेवल टूटा है ना, ये जाकर के रुकेगा करीब करीब 24,500। लेकिन इस एरिया पर बाइंग करना अभी थोड़ा सा रिस्की है, अगर मार्केट गिरता है तो एक सेफ बाइंग हो सकती है। तो 24,000 पर अगर आप बाइंग करोगे तो वो कम क्वांटिटी में करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जब 23,800 तक मार्केट अगर गिरेगा तो आपको पूरी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है, क्योंकि हम लोग बॉटम पे बाइंग करने वाले हैं। और उसी वक्त आपको निफ्टी के ETF में भी इन्वेस्टमेंट कर देना है, ठीक है। मैं ETF अभी अभी बता देता हूँ, SBI निफ्टी ETF, ICICI प्रूडेंशियल, सॉरी ये नहीं करना है, ये मत करना, मिराई असेट कर लेना, CPSE कर लेना, ठीक है। मैंने CPSE और मिराई असेट के अंदर 100-100 क्वांटिटीज अभी इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। मैं 30,000 रुपए हर महीने इसके अंदर डालने वाला हूँ, तो उसको फिर हम लोग देखेंगे कि कितना ये ऊपर की तरफ जाता है। मिड कैप 150 का किया है मैंने, और CPSE का किया है, और एक निफ्टी 50 का भी बाय कर लेना, क्योंकि जो भी स्टॉक निफ्टी 50 के अंदर होंगे उनका डिविडेंड भी इसी के अंदर ऐड होकर के इसका ETF बढ़ता है। तो ये सालाना आपको 20-22% 25% का एनुअल रिटर्न दे देगा, और उससे फिर कैसे आप ट्रेडिंग करके उस पैसे से को भी यूज करके ट्रेडिंग करके कर सकते हो, वो आपको वहां पर मैं वीडियो में इन डिटेल्स में समझाऊंगा, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट के ऊपर हमेशा आपको ध्यान रखना है। ETF के वीडियो के लिए आपको कमेंट्स में जाके ETF लिखना है, और इस वीडियो को अभी यहाँ पर एंड करते हैं। कम्युनिटी बैच अगर ज्वाइन करनी है तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो, और आज से ही कम्युनिटी बैच जो है 8 बजे से क्लास शुरू होने वाला है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।